संगीतमय वाइब्रेशंस में वाइब्रेट होते चले जाना, खूब छकना, खूब पीना इन वाइब्रेशंस को। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना उद्घाटित हो जाता है। आपको देखने की कोशिश नहीं करना, ये स्वाभाविक है। जब तुम बाहर की आंखों में होते हो तो स्वाभाविक रूप में डायरेक्ट देखते हो। आपको किसी माध्यम की, किसी टेक्निक की, किसी मेथड की जरूरत नहीं है। कोई माध्यम नहीं चाहिए तुझको। बाहर की आंखों से बाहर के जगत को देखने के लिए जैसे कोई माध्यम नहीं चाहिए, ऐसे भीतर अपने को देखने के लिए कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं चाहिए। ऑल मेथड्स एंड टेक्निक्स आर फॉर कंसंट्रेशन, नॉट फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निक और मेथड। इट्स ए डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस। Direct watching process will help you to be thoughtless very soon. ये देखने की क्षमता, देखने का potential, अपने भीतर को देखने की priority, प्यास, दर्द, दीवानगी तेरे को दिन प्रतिदिन mind से हटाती चली जाती है। चेतना mind के साथ जुड़ी है, चेतन की ओर बढ़ने लगती है। हमेशा हर पल हर घड़ी जगमगाता महासूर्य कॉन्शियस तुझको याद दिलाता चला जाता है। कब कब जुड़े तो माइंड के साथ एकदम सावधान करता चला जाता है। वो तुम स्वयं हो, कोई दूसरा नहीं। यही तो एक्सप्लोर करना है, यही तो डिस्कवर करना है। इस रियलिटी को ही तो डिस्कवर करना है। और ये कितना सहज, कितना सरल, कितना साधारण। अपनी ओर जागना क्या मुश्किल, कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा, कितना जटिल बना रखा। कितना सरल है, कितना सहज है, कितना साधारण है अपनी ओर जागना। देखते चले जाना, हर पल जागे रहना। भीतर हर घटना माइंड की है, हर एक स्थिति माइंड की है। बदलती हुई तमाम स्थितियों को देखते चले जाना। पास्ट और फ्यूचर की गलियों में कम से कम रहना, वर्तमान के पलों में लौटते चले आना। रहना वर्तमान का हो, आना जाना भूत भविष्य का हो, पास्ट फ्यूचर का हो। आना जाना बुरा नहीं, रहना बुरा है, आइडेंटिफिकेशन बुरी है। माइंड को लेकर के चलना, माइंड तुम्हें लेके चले, ये गलत है, ये दुर्व्यवस्था है, ये मिसमैनेजमेंट है। तो माइंड को लेके चलो। क्या गजब का चमत्कार है यह, ग्लैमर ऑफ ग्लैमर्स, मिरेकल ऑफ मिरेकल्स है। आप अपने माइंड को लेके चलो, ना कि माइंड तुम्हें कैरी करे, ये दुर्व्यवस्था है। अपने माइंड को मैनेज करो। विश्वास मेडिटेशन इज ए डायरेक्ट अप्रोच, इट्स ए माइंड मैनेजमेंट। इट इज नाइदर एंगर मैनेजमेंट, नॉर टेंशन मैनेजमेंट, नॉर ईगो मैनेजमेंट। ऑल दीज आर सिम्टम्स, दीज आर नॉट डिजीज। डिजीज इज माइंड। वी हैव टू डील विद द माइंड डायरेक्टली। I am a master. मुझे डिस्कवर होना है, मुझे अपने स्वभाव में स्थित होना है, मुझे अपनी सुरती में पुनः पुनः लौट आना है। माइंड मेरे अनुसार हो जाए, माइंड मेरे अनुकूल हो जाए, भीतर सब सुव्यवस्थित हो जाएगा, सदा के लिए सुखद स्वस्थ हो जाएगा।
केवल देखना बहुत आनंदपूर्ण है। बाहर के टेलीविजन को देखने में इतना आनंद नहीं जितना मन के माइंड के टेलीविजन को देखने में है। तुम अपनी ही की हुई कृतियों पर मजाक उड़ाओगे, तुम स्वयं हंसोगे कि कितना डस्ट हमने इकट्ठा किया है, कितनी धूल, कितना कूड़ा करकट, कितना मलमल ढोया है, क्या क्या फीड नहीं किया हमने अपने चित्रूपी कंप्यूटर में, अपने चित्त में क्या क्या नहीं डाला, अपने माइंड को कितना अननेसेसरली फीड किया है। जिस दिन तुम व्रत उपवास करो माइंड का करो, अपने चित्रूपी कंप्यूटर को कम से कम फीड करो, करो ही मत। जो ऑलरेडी फीडिंग हुई है, जो ऑलरेडी हमने दिया है, इसमें डाला है, उसको विदा करने की एकमात्र इस प्रक्रिया में उतर जाना, ये व्रत उपवास निराला है, वास्तविक है, रियल है। मन का भोजन कम से कम, मन को कम से कम फीडिंग, कम से कम फीड करना, कम से कम बोरो करना विचारों को, दूसरों के बारे में, दूसरों से आए हुए, दूसरों को बहते हुए, दूसरों के प्रति बहते हुए, इन तमाम विचार विकारों को विदा करने का व्रत लेना, ये उपवास ऊपर उठकर के रहने का फलित हो जाएगा। कम से कम फीड करना, अपने को देख लेना, हम तुम्हें तुम्हारा अपना आप दिखाने आए हैं। अगर साहसपूर्ण देख लोगे तो एक दिन डिवाइन हो जाओगी, तुम हो जाओगे जो होने को आए हो। अगर तुमने देखने का साहस किया, हिम्मत किया अपने भीतर की हर स्थिति को, अपने माइंड को हट करके माइंड से, माइंड के स्वभाव को जानने का एक कदम उठाया, थोड़ी प्यास उठाया, थोड़ी प्रायोरिटी प्रदान किया, तो एक दिन तुम भीतर के मास्टर होके रहोगे। ओंकार आमीन आमन। नाम है प्यारा, नाम है प्यारा मेरे मुर्शिद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना। जब मुर्शिद मिला तो क्या हुआ? ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का। नाम है प्यारा, नाम है प्यारा मेरे बाबा का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का। ध्यान है खजाना मस्ती का, आनंद का, बेप्रवाही का, एनर्जी का, ऊर्जा का। ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का।
सुरती सदगुरु ने दिया ज्ञान खजाना आनंद का, ज्ञान खजाना आनंद का। पहिया चलता जाए, काल का पहिया चलता जाए, कोई नहीं बच पाए। काल का पहिया चलता जाए, कोई नहीं बच पाए। सुख सुविधा के, सुख सुविधा के इंतजाम में हीरा जन्म गवाए। सुख सुविधा के ओ इंसान, ओ आज के मास्टर मॉडर्न, और मास्टर मॉडर्न कहलाने वाले हैं। कितना प्रिमिटिव है तो कितना बैकवर्ड है तो कितना भीतर से खाली, हॉलो शैलो, अंधेरों से भरा हुआ। बाहर की सुखों सुविधाओं, सुख सुविधाएं सुख नहीं देती, सुविधाएं सुख नहीं देती। तूने ये इल्यूजन कहाँ से पिरो लिया, ये भ्रम जाल कहाँ से पिरो लिया, ये भ्रमित बुद्धि तूने कहाँ से पिरो लिया कि सुविधाओं में सुख होता है? नहीं, सुविधाएं सुख को उपलब्ध करने में सहायक, मोस्ट हेल्पफुल, बहुत शीघ्र सुख की खोज तलाश में उतार देने की एकमात्र रसायन है, हेल्पफुल है, सहायक है। तमाम सुविधाएं इंसान को सुख की ओर इशारा कर रही हैं, वो स्वयं सुख नहीं है। जैसे दर्पण में मुख नहीं, ऐसे सुविधाओं में सुख नहीं। सुविधाजनक स्थिति हमको भीतर की खोज तलाश में बहुत सहायक होती है। सुविधाएं बहुत सहायक हैं भीतर की खोज तलाश की दिशा में, परंतु वो स्वयं सुख नहीं है। सुख की तलाश में सहायक बहुत 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 सुविधाओं को खूब खूब उपलब्ध करना, सुविधाओं को खूब जोड़ना, परंतु एक क्लैरिटी रखना, एक प्रूडेंस रखना, विजडम रखना। सुविधाओं में सुख नहीं, सुविधाओं में हार्ट अटैक हो रहा है, सुविधाओं में मनोरोग पैदा हो रहा है, क्योंकि मालूम ही नहीं कि सुविधाएं कितनी यूजफुल हैं अपने भीतर को जगमगाने में। बाहर जगमगाती हैं, भीतर भी जगमगाती हैं। यह भीतर भी हमको अपनी खोज, अपनी तलाश, सुख की खोज, सुख की तलाश में कितनी सहायक हो जाती हैं। मटेरियल स्पिरिचुअल दिशा में कितना सहायक हो जाता है। कदाचित भी इसको कंडम नहीं करना, निंदित नहीं करना, कभी भी मनी मैटर को, मटेरियल को कंडम नहीं करना। ये सब हेल्पफुल हैं तेरे लिए, उस मालिक ने प्रदान किए हैं। सुविधाओं में रह करके सुख की खोज कर, सुखद स्वस्थ अवस्था को उपलब्ध कर, भीतर मिलता है सुविधाओं में। ये मत सोचना कि सुविधाओं में मिलता है, नहीं, ये प्यास में मिलता है। सुविधाएं हो, प्यास भी तो हो अपना भीतर की खोज तलाश के लिए, सुपर साइंस की लैब में उतरने के लिए थोड़ी प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी भी तो हो। कोई सुविधा नहीं, झोपड़ी में रहने वाले 95% भारत के भक्त दीवान हैं। जहां कोई सुविधा नहीं तो भी सुखद स्वस्थ शिखर होकर के जगमगाए। क्या कबीर, क्या रैदास, क्या गोरा बादल सागर, धन्ना एक नाथ तुकाराम, अरे क्या सोक्रेटिस सुकरात, एक एक अंक कटवाने वाला सारा का सारा अपनी
शरीर की खाल उतरवा करके जीने वाला। समझ तबरेज, क्या गजब। कोई सुविधा नहीं झोपड़ी में, तो भी उन्होंने कभी महल नहीं मांगे, मटेरियल नहीं मांगा, संसार नहीं मांगा। उनके भीतर प्यास ने अंगड़ाई लिया है तो सब सुविधाएं लौट आई, अर्थात बाहर की झोपड़ी भी सुविधाजनक लगने लगी। अरे एक टाइम का भोजन मिलता है वो भी सुविधाजनक मिलने लगा, सुविधाजनक होने लगा। प्यास उठी तो पदार्थ की परवाह ना रही। जो भी है संतुष्ट तृप्त होकर के भीतर की खोज तलाश में उतर गए। भारत के 95% असुविधाजनक स्थिति में परमात्मा को पा गए, उसमें एक हो गए। प्यास ने कभी मांगा नहीं पदार्थ, प्यास ने कभी कोई समझौता नहीं किया झूठ के साथ, प्यास ने कभी भी भिखारी नहीं बनकर के किसी के आगे हाथ फैलाए। प्यास अपने आप में मालिक है, प्यास झोपड़ी में लग जाती है, प्यास महलों में लग जाती है, प्यास कोठी बंगलों में लग जाती है, प्यास कंगलों में लग जाती है, प्यास कहीं भी उतर जाए वह तुझको एक दिन मालिक बना देते हैं। वह प्यास तुझको परमात्मा से मिला देती है, परम तत्व से मिला देती, तुझको ही परमात्मा बना देती है। प्यास उतरी झोपड़ियों पर तो झोपड़ी भी महल दिखाई देने लगे, झोपड़ी भी महल की न्यायी हो गई। इतनी सुख सुविधा की इंतजाम नहीं करने पड़े। प्यास उठी तो परमात्मा उतरा, और लक्ष्मी द्वार पर उतरती है किंतु स्वीकृत नहीं होती, झोपड़ी ही झूला बन गई प्यास का। काल का पहिया चलता जाए कोई नहीं बच पाए, काल का पहिया चलता जाए, काल का पहिया चलता जाए कोई नहीं बच पाए। सुख सुविधा सुविधाओं के इंतजाम में सारी जवानी जा रही है, सारी जिंदगी जा रही है। प्यास उठा, परमात्मा सब सुविधाएं तेरे पे कुर्बान कर देगा। एक प्यास उठा परमात्मा के लिए, एक दर्द उठा अपने मालिक के लिए। उससे मुलाकात की एक घड़ी पिरोले, दर्द पिरोले, एक आवाज एक पुकार उठा ले, दुनिया भर की सुविधाएं तेरे ऊपर कुर्बान कर देगा वह। काल का पहिया चलता जाए कोई नहीं बच पाए, सुख सुविधा के इंतजाम में हीरा जन्म गवाए, सुख सुविधा के इंतजाम में हीरा जन्म गवाए, सुख सुविधा के इंतजाम में हीरा जन्म गवाए, यीशु अवसर गवाए। मजा है हमेशा, मजा है हमेशा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में नहीं, मजा है हमेशा, हम मजा है आखिरी पल तक, मजा है आखिरी सांस तक, मजा है, मजा है हमेशा इस पल का। ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का। काल का पहिया चलता जाए कोई नहीं बच पाए, काल का पहिया चलता जाए कोई नहीं बच पाए, सुख सुविधा के इंतजाम में हीरा जीवन जाए, सुख सुविधा के इंतजाम में हीरा जन्म जाए। मजा है हमेशा इस पल का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना
meditation. Meditation is a true love. Love with your real self. Love, simple love. Love, true love. It is the ultimate love. बढ़ता क्षण में मृत्यु आती क्षण क्षण जीवन आगे बढ़ता क्षण क्षण मृत्यु आती क्षण का हो यदि बोध जिंदगी क्षण का हो यदि बोध जिंदगी ऊर्जा से भर जाती क्षण का हो यदि बोध जिंदगी ऊर्जा से भर जाती हर क्षण दर्शन है साजन का फिर तो हर क्षण दर्शन है साजन का नाम खजाना आनंद का नाम खजाना आनंद का ज्ञान खजाना आनंद का खजाना आनंद का नाम है प्यारा नाम है प्यारा मेरे मुर्शिद का ज्ञान खजाना आनंद का ज्ञान खजाना आनंद का ज्ञान है चाबी आनंद की ज्ञान है चाबी जीवन की सुरती जगाइए सुरती में आइए सुरती में सागर की पहचान अगर हो सागर की पहचान अगर हो कागर में आ जाता सागर की पहचान यदि हो कागर में आ जाता सिमरन की गर दिशा सही हो साधना की गर दिशा सही हो पल में शाश्वत आता सिमरन की कर दिशा सही हो पल में शाश्वत आता क्षण प्रतिबिंब क्षण प्रतिबिंब हर पल प्रतिबिंब क्षण प्रतिबिंब शाश्वत का ज्ञान खजाना आनंद का खजाना हर पल क्षण प्रतिबिंब शाश्वत का ज्ञान खजाना आनंद का ज्ञान खजाना आनंद का ज्ञान खजाना आनंद का ज्ञान खजाना अंतस्ध्यान मेडिटेशन
मुरीद का ज्ञान खजाना आनंद का, ज्ञान खजाना आनंद का, ज्ञान खजाना आनंद का, ज्ञान खजाना आनंद का। भस्मासुर से बचे रहना, इस राक्षस से बचे रहना, इसके हाथ नहीं जाना। ये तेरे पे हाथ थमा करके तुझको ही भस्मीभूत करने में लगा है, हर पल हर घड़ी मौत की ओर ले जा रहा है ये माइंड, जिसको तुम बहुत शार्प करने में लगे हो, वह तुझे मृत्यु की ओर, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियों की ओर ले जा रहा है। कभी सोचा माइंड की शार्पनेस का स्रोत कहाँ है, माइंड का स्रोत कहाँ है, माइंड का जीवन कहाँ है, माइंड कहाँ से प्राप्त कर रहा है, किस और से प्राप्त कर रहा है? उस अननोन की तलाश एकमात्र माइंड का मालिक बना देती है। भस्मासुर है यहाँ, आज भस्मासुर सबको याद आता है, माइंड अपना भस्मासुर है, बाहर कोई भस्मासुर नहीं, बाहर तो प्रतीक है। पुरानी कथाएं हमको भीतर की याद दिलाती हैं, हर एक भीतर की स्थिति के बाहर इंटरप्रिटेशन है, व्याख्याएं हैं। असलियत भीतर है, इशारे भीतर हैं, बाहर केवल मात्र नर्सरी के कायदों की तरह पौराणिक गाथाओं से कहानियों से तुझको दिशा दे रहे हैं, तुझे भीतर की परम दिशा, जीवन दिशा की ओर लौट जाने का इशारा कर रहा है। परंतु तुम तो उसी में खो गए, कार्टूनों में खो गए, तुम तो उन्हीं तमाम प्रकार की डिजाइन में खो गए, लॉस्ट हो गए। नहीं, वो इशारे हैं, अपनी ओर आइए, ईश्वर तेरे भीतर है। भस्मासुर माइंड बच लेना, बचे रहना, नहीं तो शिव बाबा की तरह शरणागति में चले जाना, कल्याण हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। नाम है प्यारा हमारी मुर्शिद का, नाम है प्यारा, बाबा का ज्ञान खजाना आनंद का, ज्ञान खजाना आनंद का, ज्ञान खजाना है आनंद, मस्ती आनंद, मस्ती आनंद, मस्तियों का।